बड़ा खूबसूरत गीत मुझे याद आ रहा है, सर किए ये पहाड़। अब इससे आगे मैं आऊं गाऊंगा ना तो मेरे ऊपर कोई पहाड़ तोड़ देगा। मुझे तो एक गाना याद आ रहा है। हाँ, कौन आपका सा? कौन सा? घटा छाए 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 छाए। सर किए ये पहाड़ जो है ना, वो एक ऐसा गाना था जिसने पाकिस्तान का जो पॉप म्यूज़िक था उसके लैंडस्केप में तहलका मचा दिया था। और उस गाने को गाने वाले थे और जो बनाने वाले थे, जो ग्रुप था उसका नाम था स्ट्रिंग्स। बिल्कुल, और बड़ा पॉपुलर ग्रुप अपना कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में शोहरत के उरूज पर और जबरदस्त गाने दुनिया में शोहरत के उरूज पर। अब आज क्या खास बात है वो जरा हम देख लेते हैं। तीन क्लास फेलोज बिलाल मकसूद, रफीक वजीर अली और करीम बशीर के साथ मिलकर एक बैंड बनाया। कॉलेज के फेयरवेल पार्टी के बाद इस बैंड को स्ट्रिंग्स बैंड का नाम दिया गया। 1992 में बैंड ने सर किए ये पहाड़ रिलीज किया और मुल्क की सतह पर शोहरत हासिल कर ली। गाने की ये वीडियो सिंगापुर के एमटीवी एशिया पर भी रिलीज हुई, जिससे बैंड ने बैन अल-अक़वामी तवज्जो हासिल कर ली, मगर ये साथ ज्यादा अरसा न चल सका। में स्ट्रिंग्स बैंड की चौकड़ी टूट गई। 8 साल के वक्फे के बाद नई सदी के आगाज में फैसल कपाड़िया और बिलाल मकसूद की स्ट्रिंग्स में दोबारा वापसी हुई और एक बार फिर बैंड ने अपने चाहने वालों को नई जिला बख्शी। बैंड ने अपना तीसरा एल्बम दूर निकाला जो बहुत कामयाब हुआ। पाकिस्तान दौरे पर उनके गाए गाने जीत लो दिल ने पाकिस्तान और भारत की आवाम के दिल जीत लिए। स्ट्रिंग्स ने भारत का दौरा किया और अपना चौथा एल्बम रिलीज किया। बैंड ने फेवरेट आर्टिस्ट इंडिया अवार्ड और 2005 में एमटीवी एशिया अवार्ड अपने नाम किया। इस तरह बैंड के लिए नई राहें खुल गईं। फैसल कपाड़िया और बिलाल मकसूद ने बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी काम किया। भारत के अलावा सऊदी अरब, दुबई समेत पूरी दुनिया में परफॉर्म किया। स्ट्रिंग्स बैंड ने 33 साल बेशुमार कामयाबियाँ समेटी और बिलाखिर 25 मार्च 2021 को फैसल कपाड़िया और बिलाल मकसूद ने स्ट्रिंग्स के मौसीकी के सफर के इख्तिताम का ऐलान किया। स्ट्रिंग्स के ज्यादातर गाने बिलाल मकसूद के वालिद अनवर मकसूद लिखते, बिलाल मकसूद इनको कंपोज करते, जबकि फैसल कपाड़िया बतौर लीड वोकलिस्ट अपनी आवाज का जादू जगाते थे। बैंड खत्म होने के बाद फैसल कपाड़िया ने इस साल कोक स्टूडियो सीजन 14 का आखिरी गाना फिर मिलेंगे गाया। फैसल कपाड़िया ने बतौर गुलकार पहली मर्तबा स्ट्रिंग्स बैंड के बगैर ये गाना गाया। उनके चाहने वालों को यूं लगा जैसे ये गाना उन्होंने स्ट्रिंग्स के चुप चाए, चुप चुप चाए, हमरा देखे चल चाए। फैसल कपाड़िया की नाजरीन आज सालगिरह है और हमने सोचा कि उनको प्रोग्राम में दावत दें और उनसे गपशप लगाएं कि आजकल वो क्या कर रहे हैं, कहाँ होते हैं और बर्थडेज अपनी कैसे मनाते हैं। बड़े एजाज की बात है, हमारी दावत कबूल की। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर लवली विशेस। एंड ये जिन साहब ने भी ये रिसर्च करके वीडियो बनाई थी, इन्होंने पूरे 33 साल जो है 5 मिनट में उन्होंने दोबारा याद दिला दिए, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहिएगा, बिकॉज उन्होंने बड़ी डिटेल से वो मुझे पूरा वो यू नो 33 साल का सफर करवा दिया उन्होंने। आपको वॉक थ्रू दिया है, आप तो इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करते थे। हमारे पास टाइम की लिमिटेशन थी इसीलिए वो 4-5 मिनट का ही पैकेज हम बना सके, लेकिन बाकी नहीं लेकिन बहुत खूब उन्होंने बहुत अच्छा बनाया और बड़ी चीजें याद दिलाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका। उमेर भाई वेरी गुड, आपने बड़ा अच्छा काम किया, ये फैसल साहब की तरफ से आपके लिए पजीराई भी आ गई। फैसल भाई ये बताइए सबसे पहले तो कि इस वक्त आप कहाँ पर हैं और जिस मकसद के लिए आप बैरून मुल्क हैं वो मकसद जो है उसकी भी मुबारकबाद दे देते हैं हम आपको। इस वक्त मैं हूँ दुबई में और मैं और मेरी वाइफ अभी हम लोग बस अमेरिका से ही वापस आए हैं दुबई, बिकॉज वहाँ पे हमारे बड़े बेटे की ग्रेजुएशन थी अरमान की, तो बस वो उसकी ग्रेजुएशन हुई और यू नो ये सारी चीजें। इनफैक्ट मेरी कल परसों बिलाल से बात हो रही थी और हम यही जिक्र कर रहे थे कि यू नो किस तरीके से वक्त गुजर गया जब हम ने एल्बम स्टार्ट जब रीलॉन्च की दूर, तो उस वक्त 2000 था और अरमान की पैदाइश 2000 में हुई थी। सो इट वो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि यू नो वो एक वो पानी की उस तरह होते हैं कि अपना रास्ता निकाल लेते हैं। अगर हम अपनी चीज इम्पोज करें, कुछ चीज मुझे पसंद हो या मैंने किया हो, आई थिंक दैट वोंट बी फेयर। सो बट ही इज अ ब्रिलियंट म्यूजिशियन, आई नो वॉट एवर ही हैज इन हिमसेल्फ। Yeah, he's a brilliant musician himself. बस फिर उनका कुछ जो है वो कोई गाना कोई रिलीज होगा तो फिर हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम उन्हें इंटरव्यू कर लें।
नहीं नहीं आई होप कि आई गेट सम समडे अ चांस टू परफॉर्म विद हिम और डू अ सॉन्ग विद हिम दैट विल बी ग्रेट अरे वाकई बिल्कुल इंशाल्लाह अच्छा ये जो आपका जो आगाज था वो चूंकि वो सर की है ये पहाड़ जो है उसने तो खैर तहलका मचा दिया था पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में लेकिन ये जो बैंड का बनना था ये कोई प्रोसेस का हिस्सा था या बस चलो यूं ही बहुत सारी चीजें जो होती है ना कि चलो करके देखते हैं और फिर वो हो जाती हैं बस आई थिंक ये वही था कि करके देखते हैं और हो गई बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर 1988 की एंड 1989 की बिगिनिंग थी मैं और बिलाल गवर्नमेंट कॉमर्स में साथ ही पढ़ते थे हम दोनों म्यूजिकली बड़े इन्वॉल्व थे अपनी अपनी चीज़ों में और जब हमें पता चला कि हम दोनों ही म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं तो फिर हमने कहा चलें एक बैंड बनाते हैं तो वो एक टू मेंबर बैंड बन गया और हमने कॉलेज में परफॉर्म करना शुरू किया और मुझे याद है पीटीवी बल्कि हम के हिसाब से ही मैं कहूं कि सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा ने पहला हमारा गाना रिलीज किया था दैट वाज 1989 धनक प्रोग्राम था उनका तो शी वाज अ डायरेक्टर तो हाँ वहां से हमारा और मजे की बात यह है कि वो पहला हमारी पहली परफॉर्मेंस थी सुल्ताना सिद्दीकी साहब ने डायरेक्ट की थी और जो हमारी लास्ट परफॉर्मेंस थी एज स्ट्रिंग वो भी हम के ही एक अवार्ड्स थे इस्लामाबाद में और उसी ट्रिप में मैंने और बिलाल ने डिसाइड किया कि ठीक है आई थिंक इट्स टाइम दैट वी टेक वी कॉल इट क्विट्स अच्छा अब ये जो मतलब एफिलिएशन है जाहिर है बैंड के साथ भी और वो जो दोस्ती है वो भी सालों डेकेड्स पर मुहित है और कॉलेज से एक रिश्ता था वो दोस्ती हुई फिर वो दोस्ती रिश्ते में बदली और वो बैंड बना तो ये चीज़ जब आती है किसी भी बैंड की लाइफ में कि उसको अब पार्टिंग वेज मतलब अलग होना होता है और इसलिए नहीं कि हालात जो हैं वो आपस में बन नहीं रही है या लड़ाई झगड़ा हो गया बस इसलिए कि भाई अब वो मुख्तलिफ़ प्रायोरिटीज़ हैं बच्चे बड़े हैं उनके साथ ट्रैवल करना है या फैमिली कहीं और मूव हो रही है तो ये कैसी फीलिंग होती है जब वो इतना पुराना एफिलिएशन जो है वो इस तरह से खत्म होनी होती है आई थिंक कि ये मैंने तो वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट अपनी जिंदगी में नहीं सुना कि इस तरीके से बैंड कोई खत्म हो गया हमने भी नहीं सुना बगैर हाँ बगैर किसी इख्तलाफात के या बगैर किसी के कोई मर गया हो तो मैंने तो ये ऐसा ये एक इत्तेफाक अजीब सा है कि मेरे ख्याल से हम ये पहले ही हैं एटलीस्ट इस रीजन में और होंगे आई एम श्योर वेस्ट में बट ये चीज़ रियलाइज करना कि हर चीज़ का एक वक्त होता है उस चीज़ को हम रियलाइज नहीं कर पाते हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं चीज़ें और फिर हम कहते हैं कि बस ठीक है जब तक चल रही है चलाएं आई थिंक मैं और बिलाल इस चीज़ में बहुत ज़्यादा शुरू से फोकस थे कि हमें वो दिन यानी वो उस चीज को उस तरीके से लिंगर ऑन नहीं करना स्ट्रिंग्स ने बहुत हमें बहुत कुछ दिया और स्ट्रिंग्स ने यू नो बीइंग पाकिस्तान्स एम्बेसडर ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने परफॉर्म किया हम ये नहीं चाहते थे कि स्ट्रिंग्स का वो एक टाइम आए जब उसका जवाल आए और ये जवाल हर इंसान का आता है कोई भी चीज ऊपर जाती है उसको नीचे आनी ही है तो देयर इज नो वे दैट यू कैन डिनाई दैट हमारा पॉइंट ये था कि हम उसको बस उस पॉइंट पे रखें कि बस ठीक है अब इसके बाद आपने कोई ऐसी चीज नहीं देखी बिकॉज जब जवाल आता है चीजें नीचे जा रही होती हैं तो फिर इंसान बुरे डिसीशंस भी ले रहा होता है बुरी चीजें भी कर रहा होता है एंड वी डिडंट वांट टू डू दैट एंड देन वी डिसाइडेड दैट दिस इज गोइंग टू बी एन एंड एंड विद एवरी एंड देयर इज अ न्यू बिगिनिंग सो इट्स गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर बोथ ऑफ अस एंड हम बीइंग इन अ बैंड यू नो ये बहुत सेक्रीफाइसेस होते हैं आपको बहुत चीजें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं वो ही उसी वजह से बैंड चलता है एंड थैंक गॉड वी स्टिक टुगेदर फॉर यू नो 30 years मोर देन 30 years तो अब यह है कि आपने जो करना है करें बिलाल ने जो करना है करें कुछ नहीं करना तो कुछ ना करें बस मेरा तो यही वो मंत्र है कि आप बस समंदर में फ्लोट करें पानी जो है वो आपको जिस बहाव ले जाए आप चले जाए बिल्कुल सही बिल्कुल सही अच्छा अब ये जो आप लोगों का एक 30 साल का साथ रहा उसमें अनवर मकसूद साहब का एक बहुत बड़ा किरदार रहा तो एक तो उस किरदार के बारे में ज़रूर थोड़ा सा कुछ बताइए कि वो कितना ज़्यादा इन्वॉल्व थे अपार्ट फ्रॉम राइटिंग द सॉन्ग्स फॉर यू और दूसरा ये कि आप लोगों के दोनों के चूँकि कोई गाना आप गा रहे होते थे कोई गाना बिलाल साहब गा रहे होते थे तो ये आप दोनों का कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि ये गाना मैं गाऊंगा
तो पहली बात तो अनवर अंकल इज यू नो जस्ट लाइक फादर टू मी. मैं उनको 17 साल 18 साल की उम्र से जानता हूँ और अंकल और इमराना आंटी तो वो तो एक यू नो फादर फिगर एक पेरेंट्स की तरह थे ही. और उसके बाद फिर अंकल की इन्वॉल्वमेंट दूर के बाद जब दूर से उन्होंने लिरिक्स लिखना शुरू किए तो वो बिल्कुल एक बैंड मेंबर टाइप की इन्वॉल्वमेंट हो गई थी. एंड ही इज अ वेरी फन गाय यू नो. तो उनके साथ तो एक बिल्कुल ही दोस्ती ही जैसा समा होता है जब भी अंकल के साथ बैठे. तो ही इज बीन एन अमेजिंग सपोर्ट ऑफ स्ट्रिंग्स यू नो. मुझे याद है जब बैंड बना था और जो शुरू शुरू के कॉन्सर्ट्स थे उसमें अनवर अंकल यू नो वो जो ऑर्गेनाइज कर रहे होते थे हमारे कॉन्सर्ट्स और उसके बाद उसकी टिकट जब बिक रही होती थी तो वो गेट पे खड़े होते थे. आई एम टॉकिंग अबाउट 1989-1990. तो ही रियली सपोर्टेड द बैंड हर वक्त. और उसके बाद डिफरेंट रोल्स उन्होंने प्ले किए. सो दैट्स यू नो आई कांट थैंक हिम इनफ फॉर एवरीथिंग. और जहां तक गानों का सवाल है तो आई थिंक इसी वजह से स्ट्रिंग्स की एक सक्सेस रीजन ये भी थी कि मैं और बिलाल दोनों गाते थे. तो यू नो हर सिंगर की एक लिमिटेशन होती है, स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है. आई थिंक मी एंड बिलाल बोथ सिंगिंग इन द बैंड हमारा स्पेक्ट्रम जो था वो बहुत ज्यादा वाइड हो गया. कुछ गाने जो कि मैं नहीं गा सकता या यू नो मैं गा भी लूं तो वो उसकी वो फील नहीं आएगी तो वो बिलाल पे बहुत सूट करता था और जो बिलाल को पे सूट ना करे वो मुझे. तो हमारा आई थिंक ये बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन था जो जिसकी वजह से स्ट्रिंग्स की एक रीच भी बहुत ज्यादा वाइड हो गई थी बिकॉज गाने हर किस्म के जो है हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ गा लेते थे. अच्छा आपका अपना फेवरेट गाना कौन सा है? अपना फेवरेट गाना अपने गानों में से अपने गानों में से अगर मैं गाना कोई बहुत ज्यादा सुनता हूँ तो मुझे कुछ गाने ऐसे जो बहुत ज्यादा शायद यू नो होते हैं कि बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलर ना हो उन गानों की भी एक बड़ी एक कशिश होती है. जैसे कि एक गाना था कुछ तो हो गया दूर एल्बम में ही था. फिर उसके बाद एक गाना था कह दिया वो कोई आने वाला एल्बम में था. तो ऐसे गाने जो कि फिर मुझे हम सफर बहुत पसंद है वो भी कोई आने वाला है एल्बम में था. जो गाने पॉपुलर हो जाते हैं वो यूजुअली होता है क्या है कि आप उनको गाते भी बहुत हैं कॉन्सर्ट्स में आप हर जगह सुन भी रहे हो दिल भर जाता है उनकी लाइफ बहुत जल्दी एग्जैक्टली उनकी लाइफ जो है वो फिर एक्सपायर हो जाती है. लेकिन वो गाने जो लोगों ने ज्यादा नहीं सुने होते या आप कॉन्सर्ट्स पे भी नहीं गाते तो उन गानों को जब कभी कभार रेडियो पर आ जाए या इवन अगर मैं सुन रहा हूँ और स्पॉटिफाई या इस किस्म में कहीं पे आ जाए तो मुझे बड़ा मजा आता है. कह रहे यार ये गाना भी था ये गाना और कभी कभार अच्छा, कुछ गाने भी हाँ हाँ अच्छा आप ये मेरा फेवरेट तो गा दीजिए और लोगों को भी अपनी बर्थडे पे खुद ही गिफ्ट दे दीजिए और वो ये है कि घटा छाए. सुबह के 9 बजे जिंदगी नहीं गाया लेकिन आप लोगों ने उस वक्त आवाज बड़ी जबरदस्त होती है नहीं होती उसकी जुल्फें खुली तो लगायूं मुझे घटा छाए 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 घटा छाई तो दिल की गली में बिछे तेरे साए 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 साए. ये मैंने 9 बजे सुबह पहली दफा आप क्या घटा छा गई. हाँ मैं इस वक्त दुबई में उसने यहाँ पे 9:30 बजने बट आप क्या 10:30 हो रहे हैं. लेकिन आपने ये हमारे लिए जो दो लाइनें गाई ये वाकई हमारे लिए बड़े एजाज की बात होती है कि हम जिन लोगों के फैंस हैं हाँ। वो हमारे प्रोग्राम में हो तो इट्स एन ऑनर फॉर अस के हम आप जैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं मिलते हैं और बात करते हैं. ये वाकई थैंक्स अ लॉट इट्स कमिंग फ्रॉम द हार्ट. आज का आपका वैसे प्लान है क्या बर्थडे का? आज मेरी बेगम जो है वो प्लान करेंगी. शी इज अ वेरी यू नो उनमें बहुत एनर्जी होती है. आई थिंक घर में सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो सीमा ही की होती है. तो वो जब भी इस किस्म के मौके होते हैं तो वो जरूर प्लान करती हैं. रात को 12 बजे भी वो केक और पूरी के साथ अचानक कमरे में आई. तो इट्स अ नाइस बिगिनिंग और इंशाल्लाह आई एम होपिंग टू गो आउट विद हर समवेयर to just have a peaceful, nice, you know, time together. वो पीसफुल टाइम कितना रहता है वैसे ऐसे दिनों में आप जैसे सुपर स्टार्स या सुपर रॉक स्टार्स के लिए अगर हम कहें कि और भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्लानिंग्स करके आप लोगों को तोहफे भिजवा रहे होते हैं या भिजवा रही होती हैं तो फिर उसमें कितनी एनर्जेटिक होती है सीमा.
नहीं, I think Seema has been super, and you know it's we've been together for almost 33 years, और हमारी शादी को 25 साल भी अभी कुछ दिन पहले ही हुए. So I think her support has been immense, and I think that's why you know अगर लोग ये बिला वजह नहीं कहते कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इट्स एक्चुअली रियलिटी. यंगर एज में जब बंदा ये टर्मिनोलॉजी पढ़ता है तो उसको लगता है कि क्या है क्या है, लेकिन जिस तरह आपकी एज होती है सो यू एक्चुअली रियलाइज दैट हाउ फैमिली एंड क्लोज पीपल, योर वाइफ, योर स्पाउस, योर किड्स, एवरीबडी कितना मैटर करते हैं आपके सही डिसीशन को पुश करने में और आपके गलत डिसीशन के बीच में आने में उनका बड़ा हाथ होता है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. थैंक यू फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया आज सालगिरह के दिन. सो नाइस ऑफ यू. थैंक यू जी. नाज़रीन, फैसल कपाड़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे. वंडरफुल सेगमेंट, 5-10 मिनट की बात हुई, लेकिन कितना खूबसूरत आगाज और भरपूर एक तरह से जिसको कहते हैं ना.